What is up everybody, welcome back to Chan Bihar to Square। आपका स्वागत है आपके खुद के Chan Bihar to Square में। So guys, आज के इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला, कुछ हो गया। फिलहाल बज रहा है रात का 12:15, ठीक है। और फिलहाल मतलब ऐसा सीन है कि मतलब मेरे को भूख लग गया, तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बैंगलोर में हैं और आपको रात में अगर भूख लग जाए और आप स्टूडेंट हैं तो फिर आप क्या करेंगे। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर किया है मैगी और चिकन का क्यूब, जो कि एक बहुत नया टेक्नोलॉजी है। चिकन का क्यूब पैक करके देते हैं लोग, तो मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ और आप भी देखिए कैसे बनता है, क्या होता है। और बैंगलोर में अभी 12:15 बज रहा है, फिर भी आपको डिलीवरी हो जाएगा। देखिए अभी मिलते हैं, वेट कर रहे हैं उसके डिलीवरी बॉय जो आ रहे हैं। फिलहाल बाहर बारिश भी हो रही है गाइस, और देखते हैं क्या, जो ऐप का नाम है उसका नाम है जेप्टो, तो देखते हैं क्या वो डिलीवर कर पाते हैं नहीं कर पाते। वैसे 3 मिनट का टाइमिंग है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगर वो आते हैं तब। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। सो गाइस अभी ये ऑर्डर जो मैं किया था, इतने बारिश में भी भैया ने डिलीवर कर दिया है। कि तो चलिए आप ऊपर दिखाते हैं कि क्या क्या है यार, बहुत हार्ड वर्किंग पीपल होते हैं गाइस ये लोग। सीरियसली मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से। ये स्कूटी से आए थे और रेनकोट पहन के, बारिश देखिए कितना भयंकर हो रहा है गाइस। आपको दिखाता हूँ मैं नीचे, देखिए ये रहा स्कूटी इनका, और इसी से वो आए थे। और चलिए गाइस अब आपको अंदर दिखाते हैं। तो गाइस इसमें क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको पलट देता हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ आपको कि क्या क्या आया है इसे। सो गाइस मेरे को जैप्टो में समझ में नहीं आ रहा था कि ये मैगी कितना बड़ा होगा, मुझे लगा छोटा छोटा मैगी होगा, तो मैंने इसको 4 ऑर्डर कर दिया। लेकिन ठीक है, मेरे को बस दो से ही मतलब है, ये 2 साइड है, ये कभी और खाएंगे। और एक तो मेरा फेवरेट जो मिल्क बिकीज का जो क्रीम वाला बिस्किट है, तो ये मैं ऑर्डर किया, ये 45 रुपीज़ को मुझे पड़ा है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है गाइस, आपको दिखा रहा हूँ। इसका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका जो मैजिक क्यूब्स चिकन फ्लेवर, मतलब एक्स्ट्रा चिकन फ्लेवर, पता नहीं ये फ्लेवर है या चिकन है इसमें। तो चलिए इसको पहले खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या सीन है। तो गाइज मैंने इसको अभी कैची से, सीजर से मैंने इसको कट किया, और यहाँ देखिए गाइज। तो गाइज इसमें मिला है मुझे 10 पीसेज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो चलिए गाइज पहले मैगी बनाते हैं और चेक करते हैं ये कैसे बनेगा, इसका भी रेसिपी कुछ लिखा होगा। वैसे इसका MRP क्या है, 40 रुपीज़ MRP, और आप देख सकते हैं यूज़ बाय March 2022 से लेके February 2023 तक। बाप रे इतना दिन तक रहता है क्या, सीरियसली चिकन, और वो भी छोटे छोटे चॉकलेट टाइप में पैक्ड है। देखिए ओ माय गॉड अमेजिंग, मतलब बेंगलोर में कोई भूखा सो नहीं सकता है। गाइज इसको मैं खोलता हूँ आपको दिखाता हूँ। फिलहाल इसमें मुझे लग रहा है कि हाँ क्यूब है। तो चलिए यही है, चिकन भी भाई आजकल ऐसे में आने लगा, बताओ कि टेक्नोलॉजी क्या बढ़ गया है गाइस। तो चलिए अभी बनाते हैं इसको और आपको दिखाते हैं कि बनता है फिर कैसा लगता है। सो गाइस मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है और इस पर थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बॉयल हो जाए, जो कि ये होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, 1 सेकेंड। तो गाइस इसमें सबसे पहले पड़ेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुक जाओ आप 1 मिनट, देखो सबसे मैं बनाता खाना बहुत कम हूँ वैसे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने टर्मेरिक डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है, तो ज़्यादा ही डाला हूँ कि मैं तीखा थोड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा मैं डालो वरना दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे है पता नहीं जो भी है डाल देते हैं, थोड़ा सा पड़ गया ये भी, थोड़ा सा ये भी डाल देते हैं गाइस, और ये वाला भी थोड़ा सा पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गाइस इसमें सब कुछ डाल दिए हैं और इसको हम लोग करते हैं पैक। चलिए पैक होने के बाद अब हम लोग का काम है इसको स्टिर करना, अब किससे करें, इसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा, बाकी सब गंदा पड़ा हुआ है गाइस। तो एक बस यही है अपने पास, तो इसी से हम लोग बनाएंगे। और पहले तो मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ मिक्सिंग के बाद। तो गाइस बताइएगा कैसा लग रहा है। तो गाइस मैं सारा कुछ इसमें डाल दिया हूँ और यहाँ मस्त स्टिर कर देता हूँ थोड़ा सा। और स्टिर करने के बाद अपन इसको रखते हैं इधर, और यहाँ पर मैगी है तो मैगी फाड़ के इसमें डालते हैं, अब देखिए कैसे डाला जाएगा तुरंत। तो गाइस मैगी दो पैकेट मैगी मैंने इसमें डाल दिए हैं, जो कि मेरे काम का सिर्फ 2 पैकेट है, बाकी का 2 पैकेट देखिए अभी जरा खाओ, थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको मैं साफ़ कर लूँगा। ये 2 पैकेट है और यहाँ पे मसाला इस वाले मैगी का है, जो सबसे पहले इस मैगी को थोड़ा सा हम लोग रेड, देखिए रेडिस आपको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा,
तो इसको थोड़ा सा मैं हल्का सा बस खाली थोड़ा लो फ्लेम कर देता हूँ गाइस, वरना ये पूरा उबल जाएगा तो दिक्कत जाएगा ना। तो फ्लेम कर दिया है मैंने पूरा लो, और इसको थोड़ा सा स्टेयर कर देते हैं। अब इसमें जाएगा मैगी मसाला, देखिए अभी डालता हूँ। तो गाइस इसमें पहले ये दो मैगी मसाला का जो ऑर्डर है, तो ये मैगी मसाला इसमें पड़ गया बहुत मस्त तरीके से, पूरा अच्छे से मैं इसको डाल देता हूँ इसमें। तो गाइस इसमें मैगी मसाला पूरा पड़ चुका है, और थोड़ा सा मैं इसको स्टेयर कर लेता हूँ गाइस, ताकि मैगी मसाला सब आपस में मिल जाए और मुझे थोड़ा दिक्कत ना दे। थोड़ा देर में इसको छोड़ दूंगा, देखिए कितना मस्त बन जाएगा। वैसे गाइस मैं सूखा मैगी ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा पानी डालते हैं ताकि और अच्छे से पके। फोक से बना रहा होता हूँ ना, बहुत गंदा पड़ा हुआ है भाई सब कुछ, इसलिए रात में धोने का मन नहीं है कुछ भी, सुबह सब काम सुबह होगा। तो गाइस अब इसमें डालेंगे चिकन जो लाए हैं, तो मैं इसको अनबॉक्स करके आपको इसमें डाल के दिखाता हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ है चिकन अंदर में, मतलब इसके क्यूब्स हैं। तो मैं इसको सबसे पहले तो भाई इसको पूरा ऐसे पाउडर फॉर्म में को डालना पड़ेगा चारों साइड, क्योंकि थोड़ा सा चिकन का फ्लेवर आएगा। तो एक पैकेट मैंने इसको यूज़ कर लिया, और फिर से मैं एक और पैकेट यूज़ करता हूँ। एक सेकेंड, मैंने एक और तोड़ ही लिया है, और इसको दो डाल देता हूँ ताकि ये कुछ अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आया तो ठीक है, नहीं आएगा तो पूरा मैगी ख़राब हो जाएगा गाइस। वैसे एक बजने वाला है अब तो चलिए इसमें डाल दिए, और इसको इधर इसको फेंक दिए इधर। अब इसको हम लोग मिला लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ताकि हमारा चिकन का कुछ फ्लेवर आए, देखते हैं कैसा टेस्ट है। इसको अभी तक यूट्यूब पे कोई बनाया नहीं था वीडियो, इसलिए मैं सोचा कि एक बार मैं डाल देता हूँ वीडियो, देखते हैं मैगी कैसा लगता है गाइस। वैसे भाई बहुत स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है गाइस, जो बात है। चलिए इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम, ताकि अच्छा से बन जाए। सो गाइस इसमें मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है, और इसको मैं सिम पे ही रखूँगा, और इसको एक प्लेट से मैं ढक देता हूँ बस दो मिनट के लिए। मैं थोड़ा सा मीडियम करता हूँ, ताकि ये अंदर से चिकन जो है मेरे मन के मुताबिक ये पूरा कुक हो जाए। तो चलिए वेट कीजिए बस इसके, देखते हैं जैसे ये कुक होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है उसका। इसको एक बाउल में निकालेंगे और खाएंगे, और आपको बताएंगे कैसा लगा, मतलब वर्थ इट है कि नहीं भाई, ये जो बात है। और इसका तो अलग ही, इसको तो साइड में मैं मंगाया था, ये दो मैगी मेरे को नहीं खाना है गाइस। ये भी मैं देखता हूँ, अगर बाद में एक या दो बिस्किट खा लूँगा टेस्ट के लिए। फिलहाल गाइस इतना कचरा हो गया, बताइए इस कचरे के लिए कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मजाक कर रहा हूँ गाइस, आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, इसकी तरह आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग ऑलवेज चाहे लाइफ में जो भी हो। तो चलिए इसको निकालते हैं और देखते हैं कि बन गया क्या। सो गाइज ये मैगी पूरा रेडी हो चुका है अच्छे तरीके से, और इसको अब निकालते हैं इस बाउल में और चेक करते हैं कि क्या सीन है इसका। तो आप भी वीडियो में बने रहिए, और जैसे मैं निकालता हूँ आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, बने रहो वीडियो में आप। सो गाइज कुछ ऐसा बना है अपना मैगी, और इसमें है चिकन का जो मैंने वो डाला था। तो चलिए अब इसको मैं खा के बता रहा हूँ। वैसे इसका कलर का कंसिस्टेंसी बोलते हैं इसको भाई, फूड ब्लॉगर ने ना भाई, इसलिए हमको समझ में नहीं आया। वैसे कंसिस्टेंसी तो भाई इसका देख के ठीक लग रहा है, और रात के 1 बजे, अभी तो 1:15 हो गया गाइज, तो 1:15 बजे का टाइम जो होता है उसमें अगर ऐसा मैगी मिल रहा है तो लाजवाब वाला बात हो जाएगा। चलिए इसको आपको हम दिखाते हैं टेस्ट करके कैसा लगता है गाइस, सही में रियलिटी में वर्थ है या नहीं है, बताइए। छोटे छोटे पैकेट में चिकन आने लगा है। तो गाइस मैंने थोड़ा सा इसको, मैं थोड़ा सा भाई बहुत गर्म होगा मेरे को पता चल गया देख के ही। तो फिलहाल ये है अपना, फिलहाल ये है अपना चिकन, और इसको मैं एक मिनट गाइस, मैंने नमक पता है एक स्पून में थोड़ा सा भी औंस नहीं डाला है नमक का मैंने, पर ये बहुत ज़्यादा नमकीन लग रहा है। मैंने सॉल्ट बिल्कुल नहीं डाला है इसमें, पता नहीं ये नमकीन क्यों लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा नमकीन। बहुत ज़्यादा सॉल्टी, बहुत ज़्यादा। तो ये चिकन में शायद बहुत ज़्यादा नमक था, मैंने 3 क्यूब डाल दिए भाई, लगता है मेरे से गलती हो गया। आपको 2 पैकेट मैगी में 3 क्यूब नहीं डालने हैं, यह बात आप हमेशा जान लेना। एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, क्या पता मेरे को
एक्चुअली बताऊँ, टेस्ट ठीक है, ठीक है, टेस्ट इज़ गुड, बट जो तीन मैंने क्यूब डाले हैं ना वो नहीं डालने चाहिए थे, क्योंकि ये तीसरा जो क्यूब है वो क्या कर रहा है, सिंपल इसको बहुत ज़्यादा सॉल्टी बना दे रहा है। वैसे चिकन का फ्लेवर वैसे कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन ठीक है, कुछ होगा तभी तो बनाया है भाई। वैसे भी अब 40 रुपये में आपको क्या चिकन ये दे रहा है, बहुत ही बड़ा बात है, पर वैसा कुछ फ्लेवर का पता नहीं चल रहा है। हाँ, सॉल्टी बहुत ज़्यादा हो गया मैगी, विदाउट मैंने 1% सॉल्ट का यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं यूज़ नहीं किया, मेरे को लग रहा था कि थोड़ा सा कहीं बाद में सॉल्टी हो जाएगा, और मैं इसको खाता हूँ, थोड़ा अपने रूममेट को भी खिलाता हूँ। वैसे रूममेट मैं चिकन नहीं, नहीं रूममेट मैं चिकन खाता ही नहीं है, मेरा रूममेट सिर्फ मटन खाता है और मछली खाता है, फिश एंड मटन, नो चिकन एंड नो एग, तो उसको तो भाई इस गेम से बाहर ही रखेंगे। थोड़ा गिर गया गाइस, मैं साफ कर लूँगा। तो गाइस आप समझ गए कैसे यूज़ करते हैं चिकन के पीसेस को, जो क्यूब्स में जो आता है उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको बस आपको लेना है, उसको पूरा पाउडर बना के अपने खाने में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको बस थोड़ा देर के लिए ढक के आपको थोड़ा सा बॉइल करा देना है, तो उसमें आपका खाना कुक हो जाएगा। वैसे मैं इसको बोलूँगा कि 2 पैकेट मैगी में आप 1.5 या 2 डालिए, 2 से ऊपर मत डालिएगा, मेरे गलती मत कीजिएगा, तीसरा क्यूब डालेंगे तो आपका खाना पूरा सॉल्टी हो जाएगा। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वैसे खाना खाने टाइम बियर्ड वाले इंसान को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, जय हिंद।